अभी मैं ऐसे क्यों हूँ आप लोग वही सोच रहे होंगे। हालत खराब हो चुका है। तई तई दिप दिप तई 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 আমি যেটা বলছি দিদি ऐसे क्यों हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने उस दिन जो बताया था कि हम लोग एक शूट कर रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है, उसमें थोड़ा सा डांस का एक पार्ट रहेगा, इसके लिए ये मैं बिल्कुल अपनी कॉस्ट्यूम में रेडी हूँ और मेरी मदर इन लॉ मुझे आलता के की बोले हिंदी था आई डोंट नो मेरे पैरों में ये डेकोरेशन मतलब ये मेकअप करवा रही है। और सॉरी मैं सेकेंड डे का आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखा पाई क्योंकि उस दिन मैं कैमरा तो लेके गई थी लेकिन फिर बाद में मैंने देखा मैंने अपना मेमोरी कार्ड नहीं लिया और कैमरा का मेमोरी कार्ड नहीं लेने की वजह से मैं वो शेयर नहीं कर पाई। सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन उस दिन शुभो ने बहुत सारा शॉपिंग किया, मैंने भी थोड़ा सा किया, बहुत ज़्यादा नहीं। सब कुछ ड्रेस आप लोगों को मैं शूट में दिखाऊंगी और शूट में आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे। ये है शूट का डे वन। नहीं तुमसे नहीं होगा। जब मैं अपने खुद के ऊपर मेरे कॉन्फिडेंट नहीं थी तब उसे मुझ पे कॉन्फिडेंट था। ये मेरी लाइफ की एक बहुत लाइफ चेंजिंग बात थी। जब मैं सोचती थी मैं नहीं कर पाऊंगी वो मुझे हमेशा बोलता था कि नहीं मुझे भरोसा है तुम जरूर कर पाओगी। तो सच में ये मेरे लाइफ के बाद हम लोग टोटली 15 डेज बहुत घूमे, बहुत मस्ती किया हम दोनों ने डुग्गू में, मतलब हमारा जो बाइक है उसमें बहुत घूमे, कहाँ नहीं गए, क्या नहीं खाया, सब कुछ किया, बहुत मजा किया। और उसके बाद मुझे शुभो के साथ जो फील हुआ वो बहुत ओपन माइंडेड है। मैं अपने लाइफ में हमेशा एक ओपन माइंडेड आदमी मतलब लड़का इसलिए ढूंढती थी क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ऐसा नहीं चाहिए ये मत करो वो मत करो ये क्यों वो क्यों, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं था। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम, मुझे उस 10-15 दिन में इतना पता चल गया था कि वो ओपन माइंडेड है, बहुत कुछ तो पता नहीं चलता अपने दिनों में। उसके बाद भी और भाभी बुलाई थी, मामूनी और भाभी और शिवू की एक सिस्टर आई थी। अभी मेरा तो हो गया मेरा इंटरव्यू शुभो से, मैं कैसे मिली हूँ, क्या हुआ था, कितना कुछ बोलते बोलते मैं 2-3 बार रो भी पड़ी, मेरा पीछे का बैकग्राउंड भी खुल गया जो मैंने पम्पम फ्लावर्स बनाए थे वो भी पीछे से मतलब क्या बोलते उसको छूट गया था, जो भी हो ऐसा कुछ हुआ था। अभी शुभो का इंटरव्यू होने वाला है, वो मुझसे कैसे मिला, क्या करता है, मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये सब कुछ शुभो भी बोलने वाला है। बस यही सब कुछ चल रहा है आज दिन भर। अभी तो रात अभी तो 4 बज गए, 4 बज गए और हम लोगों ने किसी ने भी लंच नहीं किया, जो दोनों भैया शूट कर रहे हैं उन्होंने लंच नहीं किया, शुभो ने ही नहीं किया, मैंने थोड़ा सा खाया है, मामोनी ने थोड़ा सा मुझे खिला दिया, बस हो गया उतना ही। अभी शुभो का इंटरव्यू हो रहा है और वो बहुत नर्वस दिख रहा है। मैं बहुत नर्वस दिख रहा हूँ, एक्चुअली मैं नर्वस हूँ। अच्छा, क्या बात करूँ, समझ में नहीं आ रहा है।
कैमरा के सामने एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि उसका दिल जो है ना बहुत बड़ा है क्योंकि और दूसरे सिग्नल में तीशा एक बाइक में बैठी थी एक लड़के के साथ, तो मैंने देखा और सोचा इसका बॉयफ्रेंड भी बना लिया। छोड़ो यार इसको जाके अभी इसका फैमिली का सभी टीम के बाद मैंने उसे बिल्कुल नहीं कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। तुम बॉयफ्रेंड कौन सा बोल, नहीं नहीं मैंने तुमको देखा था एक बाइक में एक लड़के, वो कौन सा बाइक था, वो बाइक का डिस्क्रिप्शन दिया वो था ग्लैमर बाइक, तो उसने बोला कि अरे वो मेरा छोटे भैया है। मैंने हर रोज एक ही बात, हर रोज एक ही। तो उसके बाद जब कोलकाता में वापस आया तो मैंने उसे बताया कि हाँ चलो मिलना है। तो फर्स्ट डे जब मैं उससे मिलने आया तो मुझे याद है कि नहीं फर्स्ट डे क्या है कि हम लोग एयरपोर्ट पे मिले, तो मैं तो एयरपोर्ट पे उसे ढूंढ रहा था। एयरपोर्ट पे दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फर्स्ट हम लोग मिले थे। दूर से वो आ रहे थे और उसके साथ मेरे आज है शूट का टिकटू। अभी मैं और शुभो दोनों जा रहे हैं शूट के लिए और हम लोग सबसे पहले जाएंगे हावड़ा ब्रिज और उसके बाद बहुत सारे स्पॉट्स घूमना है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है अभी तक, और उसके बाद जाएंगे बहुत सारे स्पॉट्स में। सारे स्पॉट्स में मैं आप सबको भी लेके जाऊंगी, मतलब ब्लॉगिंग करती रहूंगी। आपको कोलकाता के थोड़े बहुत जगह के बारे में पता भी चलेगा कैसा कैसा है। बस देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। शायद शाम के 5-6 बजे हम लोगों का शूट खत्म होगा। इसको फूल मार्केट बोलते हैं, ये हावड़ा में है और ये यहाँ पे जो देख फ्लावर सारे यहाँ पे सबसे सस्ते में मिलते हैं। कोलकाता में सबसे सस्ता मिलता है यहाँ पे फ्लावर्स। होलसेल प्राइस पे बता दे सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम लोग जा रहे हैं और हम लोकेशन पे जो है की जाएगा हट्टा नाम तक की हट्टा नाम, और ये है हम लोग का डायरेक्टर, आप देख सकते हो। ओके कौन सा घाट है, ये मल्लिक घाट है जहाँ पे हम लोग का आज डे 2 का फर्स्ट शूट होने वाला है। ये है लोकेशन, यहाँ से हावड़ा ब्रिज दिखता है अच्छे से। हावड़ा ब्रिज का एक्चुअल में काम शुरू हुआ था 1935 में, उसके बाद ये ओपन हुआ था नॉर्मल मतलब 1943 में ये ओपन हो चुका था। बहुत सालों तक काम चला इसका। और हावड़ा टोटली वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही पॉपुलेशन वाला एरिया है, बहुत ही क्राउडेड एरिया है। मैं आप सबको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ इस जगह का, जो मैंने अभी नोटिस किया है, और वो है यहाँ पे एक अखाड़ा है। अखाड़ा यहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे दंगल का याद आ रहा है और सुल्तान का भी। और हम लोगों की शूट की तैयारी हो रही है, ये दोनों भैया तैयारी कर रहे हैं शूट की। यहाँ से ब्रिज का लोकेशन, ब्रिज को वो लोग फोकस करेंगे। और शुभो अभी रेडी हो गया है, अपना ड्रेस चेंज कर दिया है उसने, और मैं भी रेडी तो हूँ। और यहाँ पे है मामूनी हमारे सारे ड्रेसेस को संभालते हुए।
इतनी सारी चीज की वजह से मेरा सर एकदम अजीब सा लग रहा है मुझे मतलब हीरो हीरोइन की तरह हम लोग डांस कर रहे, पता नहीं ये जब टोटल बात होगी तब कैसा लगेगा, अच्छा दिखेगा या फिर पता नहीं कैसा दिखेगा, होपफुली अच्छा ही रहेगा, देखते हैं। हाँ मैं आपका मेरा ड्रेस दिखा देती हूँ, उस दिन मैं बोल रही थी मैंने शॉपर स्टॉप से ख़रीदा है, ये है मेरा ड्रेस, इसे मैंने शॉपर स्टॉप से ख़रीदा है और उस दिन मैं दिखा नहीं पाई सॉरी, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, इसे शायद मैक्सी ड्रेस या फिर मैक्सी गाउन ऐसे ही कुछ बोलते हैं, जो भी बोलता हो ये अच्छा दिख रहा है। और ये मेरा पहले का शूज़ है, ये मैंने पहन लिया है, अभी सब ड्रेसेस के साथ अलग अलग शूज़ पहनना है तो मैंने ये पहन लिया है। बस यहाँ का सीन खत्म हो गया, अब दूसरे जगह पे जा रहे हैं हम लोग। मैं अपना जैकेट पहनूंगी क्योंकि मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट लोकेशन में आ गए हैं, ये है मैदान के बोल लो बस। चल रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ मेकअप नहीं किया है, एक्चुअली सुबह मैं जब आ रही थी तब मुझे लग रहा था कि तब का मेकअप करने का मुझे मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अभी छोड़ते, अगर उसके बाद अभी इसके बाद कुछ टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा शायद बीबी क्रीम अप्लाई कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर के सिवा कुछ नहीं अप्लाई किया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया है और मुझे कुछ मन भी नहीं कर रहा अभी, और पता नहीं फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा शायद मेकअप करने की ज़रूरत है क्योंकि इवन टोन नहीं लग रही है स्किन, अभी बस देखते हैं जो हो रहा है जैसा है, अभी इसी में कुछ करते हैं और उसके बाद मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी मैं। लोकेशन अच्छा है, बहुत सारे गोट्स आ गए हैं हमारे शूट के टाइम डिस्टर्बेंस करने के लिए। सेकेंड लोकेशन, सेकेंड डे सेकेंड लोकेशन, बताया सबको मैंने, बता दिया। अरे बहुत इंटेलिजेंट है, साफ समय अजीब लग रहा है, सनग्लास मैं अपना सनग्लास भूल गई, ये शुभो का है, मुझे लगता है ये पहनने से नहीं पहनना बेटर है, बोरो बोका बोका लगता है इतना बोरो। शुभो का फर्स्ट ही जा रहा है अभी यहाँ पे, बस जो डायरेक्टर है हम लोगों का वो समझा रहा है कि कैसे चलना है, कैसे चल के आना है, अपने स्टाइल में चल के आना है, बस यही सब कुछ। वे हीरो है के बारे गुड शॉट वेल डन।
आमी जरा बोल छी दीदी सब लोग अभी थोड़ा सा टी ब्रेक ले रहे हैं हम लोग अभी थोड़ा सा टी ब्रेक ले रहे हैं कोटा सबाई कॉफी तुम की चाना कॉफी पांच कॉफी पांच कॉफी का तो काफी है अभी हम रेडी हो गए हैं हमारी थर्ड क्या बोलते हैं इसको लोकेशन के लिए मैंने लिपस्टिक दो कलर मिक्स करके बनाया है मुझे लग रहा है ये लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लग रहा है अभी दूसरा एक शॉट होगा और दूसरे शॉट में हम लोग हॉर्स यूज करेंगे शायद मैं हॉर्स के ऊपर बैठने वाली हूँ अगर घोड़ा पागल होगा तो मुझे गिरा देगा पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है मुझे मैं शुभ का सनग्लास पहनूंगी और मैं अपना सनग्लास हाँ एक्चुअली मैं अपना सनग्लास भूल गई हूँ तो इसे मांग के मैं मतलब আস্তে আস্তে এর আমি সৌখ্য ধরে আছি দেখা তুমি বেশি ইয়ে করলে ও ওরকম করে দেবে কিন্তু এটা মাথায় রেখো চলো তুমি সামনে আসো প্রবলেম নেই চলো আসো হ্যাঁ চলো এবার আসো চলো কোনো চলে থাকো চলে যাবে হ্যাঁ এই তো চলো কিছু হবে না খালি ওরা দাঁড়িয়ে থাকুক সামনে থেকে এসে একটা মুভমেন্ট নেবে ঠিক আছে এটা অনেকটা হবে बस ओखना काटो काटो ओखना एक बार दाढ़ी तो अभी हमने इस खूबसूरत सा हॉर्स का राइड लिया है मैंने और शुभो ने उसका नाम है सुंदरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है हाँ सुंदर है और बहुत साफ सुथरी भी है अभी और हमेशा इसको बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है हाँ। और भाई आपका नाम क्या है नसीम नसीम जो है नसीम भैया बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और ये सिर्फ खाते हैं छोला और गाजर और यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो ये घास फूस खा रहा है और बहुत खूबसूरत चाहिए बहुत अपना फेस दिखा दो बस सुंदरी को अभी के लिए बाय बाय बोल देते हैं सब लोग बाय बाय बोल दीजिए अभी बाय सुंदरी और पम्पम ईयरिंग्स और मैं ज़रूर आप सबको इसका DIY दिखाऊंगी क्योंकि मुझे पता है आप सबको ये ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है इससे पहले भी मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स फ्रेंड्स ने मुझे ये पूछा है कि क्या मैं इसकी DIY कर सकती हूँ तो मैं अभी बता देती हूँ मैं ज़रूर इसकी DIY आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और भी बहुत सारे मेरे पास आइडियाज़ हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सब देखना चाहते हैं हमारे साथ अभी बहुत ही गुणी व्यक्ति है उन्होंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल पंडिचेरी से 5 साल पढ़ाई किया है वो योग को लेके काम करते हैं आपको बहुत ही अच्छे हमारे आज एक मित्र मिले हैं विक्टोरिया हाउस कलकत्ता के अंदर जिनका जीवन बड़ा ही दिव्य और उनकी धर्मपत्नी का भी जीवन बड़ा ही दिव्य हमें लगा थैंक यू और सारे विश्व को हम चाहते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए रिलीजन पीस जो है आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और किसी के खान पान को देख करके न देख करके उसको दूर रखना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। श्री अरविंदो ने कहा है कि द डिवाइन लाइट इज ए रियल गॉड, जो स्पिरिट है, पावर है, वो सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है। योग दर्शन में कहा है, अथा योगानुशासनम योगश्चम चित्तवृत्ति निरोधा, योग के माध्यम से यूनिटी ऑफ वर्ल्ड, यूनिटी ऑफ कल्चर, यूनिटी ऑफ पॉलिटिशंस, पीस ऑफ माइंड के लिए हमें जीना चाहिए और सारे विश्व में रिलीजन से भी उठ करके एक मानवता को अपनाना चाहिए। रिलीजन पर्सनल फॉर सेल्फ, हिंदू अपनी मान्यता के आधार पर अपने धर्म को माने, सिख अपनी मान्यता के आधार पर अपने धर्म को माने, मुसलमान अपने धर्म को अपने आधार पर माने और आपने ईसाई भाई ईसाई धर्म को माने, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी है आज सारे विश्व के अंदर जो मानवता का हनन हो रहा है वो अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण और अपने जीव के स्वाद के कारण, दारू मीट मटन पर स्त्री गमन और चोरी जारी मिथ्या सट्टेबाजी ये जीवन में न करके दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़ियो जब तक घट में प्राण, सभी जीवों पर दया, प्रकृति का संरक्षण, नदियों की सफाई और आपस में कर्मनिष्ठ होकर के वैज्ञानिक दृष्टि से सभी लोग विकास करें और सफाई का ध्यान रखें और नरेंद्र मोदी की तरह योगी बनकर के सारे विश्व की राष्ट्र की सेवा करें। क्या बात है। इतना कहता हुआ मैं भाई जी का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आज जो हमारे यहाँ विक्टोरिया में आपसे मुलाकात हुई, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप एक सचिन तेंदुलकर की तरह, दादा की तरह और हमारी ममता बहन जी की तरह कार्यरत होकर के सारे विश्व का कल्याण करें और अपने चैनल पर अच्छे अच्छे लोगों को दिखाएं यूट्यूब पर। जरूर, जरूर, जरूर। ओम शांति शांति शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शम। थैंक यू सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा सा मैसेज दिया है। आप जरूर कॉमेंट में डालिए कि आपको कैसा लगा सर। अभी जिन सर को आपने देखा है उनसे हम बस 5-10 मिनट पहले ही मिले हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं वो, हम लोगों से खुद आके बातें किए, बहुत अच्छे से बातें किए, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए हम लोगों ने आप सबके साथ उनको भी इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि उनका सोच बहुत अच्छा है और बहुत वो बहुत आगे का सोचते हैं, मतलब उसको देश से बहुत प्यार है। ये तो सबको होना चाहिए, मुझे भी प्यार है। और जो स्टेप अभी ले रहा है वो सच में बहुत कमेंडेबल है, बहुत अच्छा किया और उसके पीछे हम सब है, उसको सब उसके सपोर्ट पे हम सब है, तो यही बोलना चाहते हैं। जनता है हमें बस, कौन सा पार्टी है, कौन सा पॉलिटिक्स है, हमें जो अच्छा करेगा हम उसके साथ है, बस यही बात। जय हिंद। तो जय हिंद। फिर से मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है, ये वाला ड्रेस पहना। हाँ, हम लोगों को अभी खाने के लिए जाना है, थोड़ा सा भूख लगा है तो लंच करेंगे अभी। विक्टोरिया का पार्क और विक्टोरिया पार्क, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम दोनों का लास्ट शूट है और वो लास्ट लोकेशन है आज के डे टू का, और आई होप अच्छा रहेगा। अभी हम लोग प्रिंसेप घाट पहुँच गए हैं। ये है পোস্টটা হোল্ড করবে। चलो डा।
দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে ফট করে ঘুরে যাবে। बस अभी बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए क्योंकि नाव नहीं मिला है। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी नाव में बहुत खूबसूरत आएगा, बस वही चीज़ नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या होने वाला है। कोशिश करेंगे।